अस्सलाम वालेकुम। जैसे हमने पिछली एक स्लाइड्स में पता है कि पोजीशन ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग कैसे काम करती हैं। अब इन चीज़ों को समझते हुए हम इसका सारे आइडिया को एसेट एलोकेशन डाइवर्सिफिकेशन की आइडिया के साथ मिलाते हुए समझेंगे। अब आगे मूविंग फॉरवर्ड हमारी स्ट्रेटजी हमेशा ये होनी चाहिए कि जो हमने पीछे डेफिनेशन स्ट्रेटजीज और टूल्स पढ़े हैं उन सबको हम मिला के आगे वाली चीज़ों में इम्प्लीमेंट करें। आफ्टर दिस इम्प्लीमेंटेशन ओनली आफ्टर दिस इम्प्लीमेंटेशन विल वी बी एबल टू ट्रूली अंडरस्टैंड एंड ग्रास्प एंड बेनिफिट फ्रॉम आवर कोर्स। ओके, सो मूविंग बैक टू आवर सेकंड स्लाइड, इट इज स्टेटिंग व्हाट इज एसेट एलोकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। दिस इज अ वेरी फेमस सेइंग बाय वॉरेन बफे, डोंट कीप ऑल योर एग्स इन अ वन बास्केट। वॉरेन बफे इज अ मेजर कॉन्ग्लोमरेट इन द फाइनेंशियल मार्केट। मोहतरम जो बातें कहते हैं इट्स ट्रू, इट्स वन ऑफ लाइक अ रूल ऑफ थम, वो हेरिस्टिक बन जाता है। एंड आई सी अ लॉट ऑफ विजडम इन दिस कोट एज वेल। बाय दिस कोट वन बफे मीन्स इज कि आप कभी भी एक एसेट के अंदर सब कुछ इन्वेस्ट ना करें। आप मल्टीपल एसेट्स में थोड़ा 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 करके अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसे आप डाइवर्सीफाई कर दें। तो खुदा ना खास्ता अगर एक एसेट जो है वो फ्लॉप है, फ्लोप्ड है, या किसी और वजह से कोई ड्यू टू एनी अनसर्टेंटी वो अगर ख़राब हो जाता है, तब उस एसेट का जो नुकसान है दूसरे एसेट से फुलफिल कर सकती हैं। बट अगर आप सारे का सारा पैसा एक ही एसेट में लमसम इन्वेस्ट कर देते हैं तो होगा ये कि खुदा ना खास्ता किसी अनसर्टेंटी या किसी और वजह से अगर आपका वो एसेट डूब जाता है तो आपके सारे की सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो भी साथ चूक जाती है। तो इन द लॉन्ग टर्म ये बहुत नुकसानदेह हो सकता है। तो हम क्या करते हैं कि हम अपने एसेट को ना डाइवर्सीफाई कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, नीचे हमने एग्जाम्पल में देखा हुआ है कि उसने 33% एक एसेट में डाल दिया, 21% एक एसेट में डाल दिया, 17% एक एसेट में डाल दिया, 13% एक एसेट में, 70% एक एसेट में। इवन थो इट डजेंट डायरेक्टली कोरिस्पॉन्ड टू आवर क्रिप्टो करेंसी सिनेरियो, बट वी कैन टेक इट एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, हम 33% जो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट है वो बिटकॉइन में लगा देते हैं, 21% इथेरियम में लगा देते हैं, 17% डोजकॉइन में लगा देते हैं, 13% मोनेरो में लगा देते हैं, 17% सेफ मून में लगा देते हैं। तो बाई डूइंग दिस वट वी आर डूइंग इज कि वी आर डाइवर्सिफाइंग आवर पोर्टफोलियो। एंड थैंक्स टू दैट हमारे पोर्टफोलियो जब डाइवर्सीफाई हो जाएगा तो इन केस खुदा ना खास्ता अगर सेफ मून जो है वो लॉस में जाती है या ड्यू टू सम रीज़न वो फेल कर जाती है, तो बिटकॉइन का जो प्रॉफिट होगा वो इसे कवर कर देगा। ये लॉस में जाती है तो ये इसका प्रॉफिट या इन सब का प्रॉफिट इसे कवर कर देगा। तो ये लॉन्ग स्ट्रेटजी के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है और आपका कोई भी चीज़ नुकसान नहीं जाती, क्योंकि एक चीज़ दूसरी चीज़ को कवर कर देती है। लेट्स गेटिंग बैक टू द स्लाइड वेज यू हैव, जिस तरह के लिखा हुआ इन्वेस्टिंग योर लाइफ सेविंग्स इनटू वन एसेट एक्सपोजिंग यू द सेम काइंड ऑफ रिस्क। इसलिए उसे डाइवर्सिफाई करने से आप फ़ायदा बच जाता है। आप एक ही हरकत के अंदर अपने पैसे नहीं उनसे हाथ नहीं धो बैठते, तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आप एक ही क्या कहते हैं मूवमेंट के अंदर अपनी सारे पैसे नहीं खो बैठते। इधर लेफ्ट साइड पर एक और डेफिनेशन लिखी हुई है कि एसेट एलोकेशन से मुराद डिस्ट्रीब्यूशन आपके पैसों की डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट में, ताकि आपकी रिस्क जो है वो कम से कम हो सके टाइम लाइन के लिहाज से। होता यह है कि आपकी जो ओवरऑल वोलेटिलिटी होती है ना वो तमाम एसेट्स में बराबर बराबर बांटी जाती है, जिसकी वजह से अगर एक एसेट का नुकसान हो भी तो दूसरा कवर कर लेता है। इससे आपकी वोलेटाइल इन्वेस्टमेंट जो है ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं और शॉर्टर टर्म के लिए लेस वोलेटाइल हो जाती है। मूविंग फॉरवर्ड, ओके, बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी हमने पहले भी डिस्कस की है। बेसिकली इसमें होल्डिंग वाला सीन ही होता है कि आप एक एसेट को बाय करते हो, उसे होल्ड करते हो, सब सेल नहीं करते हो, यू जस्ट बाय एंड होल्ड ऑन टू इट। और इसे आप लॉन्गर पीरियड्स के लिए रखते हो एसेट को, और इससे फ़ायदा ही होता है कि पैसिवली आपका जो पोर्टफोलियो बिल्डअप होने लग जाता है। और ऐसे ना आप इसे ले के रख देते हो, आफ्टर सर्टेन वाइल जब आपको लगता है मार्केट कंडीशन इज एट द बेस्ट लेवल, तो आप इसे फिर निकाल लेते हो या क्लियर आउट कर देते हो। वॉरेन बफे की यहाँ पे एग्जांपल है कि अगर कोई एसेट 10 साल के लिए अपने पास नहीं रख सकते ना, उसे ना पकड़ो। उसका सीन कहना है सर ये कि जब आप बाय एंड होल्ड तभी पकड़ो जब आप उस एसेट को फॉर 10 ईयर्स होल्ड कर रख सकते हो। अगर आपको लगता है आप 10 ईयर्स के लिए होल्ड नहीं कर सकते हो, तो बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी इस तरह के एसेट के साथ नहीं करनी चाहिए। सेम थिंग अप्लाइज टू हेयर एज वेल। मूविंग फॉरवर्ड, तो पेपर ट्रेडिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट
टेक्निक दैट आई लाइक टू टीच माई चिल्ड्रन एंड माई स्टूडेंट एज वेल, कि यू डोंट रियली नीड टू यूज़ योर रियल मनी टू एक्सपेरिमेंट विद दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स. वट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट प्रिटेंड दैट यू आर डूइंग इट. यू हैव टू प्लान योर ट्रेड्स, यू हैव टू टेक इन द रिस्क, यू हैव टू मेक अ स्ट्रेटजी. इन सब चीज़ों को देखते हुए आप एक पेपर लें, उस पेपर पर लिखें जिस तरह की इसे लिख सके आई वुड बाय हेयर. अब आप इस पॉइंट पर हो गए हैं, आपने इतनी की इन्वेस्टमेंट कर दिया, कैलकुलेट कर लिया, फिर आप कहेंगे कि मैंने ये इस जगह पर जाकर सेल करना है. और क्या आपने जो प्रडिक्शन की थी उस प्रडिक्शन को पूरा कर दिए हैं? क्या आपने जो स्ट्रेटजी या जो प्लान लगाया था क्या वो प्लान कम्प्लीटली सक्सेसफुल है कि नहीं है? क्या उसमें कोई इशू आ रहे हैं? क्या आपने जो स्टेक किया है वो स्टेक आपके फ़ायदे में जा रहा है, लॉस में जा रहा है? कितनी पेपर ट्रेड्स के ऊपर आप फ़ायदे में गए हैं, कितनी पेपर ट्रेड्स आपके लॉस में गई हैं? आप जब इन सब बातों को देखेंगे तो इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, सी द पैटर्न्स एंड हाउ यू कैन बेनिफिट फ्रॉम देम. अ वेरी इजी थिंग टू डू, यू कैन सिंपली जस्ट ओपन टू अ वेबसाइट लाइक कॉइन मार्केट कैप एंड जस्ट सी द टाइम वैल्यूज ऑफ दिस एज वेल. बाइनेंस पे भी आप जाके देख सकते हैं. मैं एग्जाम्पल के दे रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने प्रेडिक्ट किया होता कि मैं इस वाली जगह पे ख़रीदूँगा जब मार्केट में 24/1/2021 को ये 41,658 US डॉलर का था, और मैंने इसे कहा था कि मैं आफ्टर अ सर्टन पीरियड कि यहाँ पर जाके बेचूँगा, तो ये मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो गैप है ये मेरा प्रॉफिट मार्जिन होगा इतना पेपर ट्रेड. मगर इसके लिए आपको पहले से अस्यूम करना पड़ेगा, उसे लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद करना पड़ेगा. उसके लिए पहले आप मार्केट को एनालाइज़ करें, कुछ दिनों तक मार्केट के पैटर्न्स को देखें, कैसे मार्केट पैटर्न चेंज हो रहे हैं, क्या वो मार्केट में कोई नई एंट्री आ रही है, कोई नया पार्टिसिपेंट आ रहा है जिससे मार्केट की डायनामिक्स चेंज होने वाली हैं. तो इन सब बातों को कंसिडरेशन में लेके फिर आप पेपर ट्रेड्स लें एक ओवरऑल स्ट्रेटजी के साथ, एक प्लान के साथ. उस प्लान को फिर इस पर इम्प्लीमेंट करें और देखें कि आप फ़ायदे में जा रहे हैं, नुकसान में जा रहे हैं, फिर उसमें रियल मनी आप इन्वेस्ट करें. इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स हैं. क्रिप्टो ट्रेडिंग इज़ ऑल्सो वेरी गुड एस्पेक्ट, बट आई रियली रिकमेंड कि आप किसी रिकग्नाइज्ड एंड ट्रस्टेड बंदे के साथ इस चीज़ को सीखें, उसके साथ उसकी स्ट्रेटजीज को समझें और जिसका ऑलरेडी पोर्टफोलियो अच्छा हो. इसके अलावा क्रिप्टो माइनिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. ये कुछ स्टेट्स में लीगल है, कुछ में लीगल नहीं है, तो इसलिए अपने क्या कहते हैं जो आपका है लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसे एक बार इसे डिस्कस कर लीजिएगा. उसके अलावा फार्मिंग एक बहुत मज़े का कॉन्सेप्ट है. इसमें होता ये है कि आप एक सर्टन अमाउंट ऑफ क्रिप्टो जो है एक हो क्रिप्टो या न्यूली लॉन्च शिट कॉइन या स्कैम कॉइन्स जैसे कॉइन्स को आप दे देते हैं. इन अगेंस्ट दैट वो क्या कहते हैं कि वो अपना एक फार्म सेटअप कर देते हैं आपके नाम पे. हो आफ्टर सर्टन पीरियड ना आप उसे फिर लिक्विडेट करके उसमें से क्रिप्टो निकाल सकते हैं, उस क्रिप्टो को फिर आप दूसरे पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं. सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग टू लुक इनटू एज वेल. You can create your own blockchain, you can create your own coin, a decentralized one. I would prefer if you can do that. Non-fungible tokens आजकल बहुत इन शकील नील हो कई फेमस एथलीट्स जो हैं वो भी अपने NFT tokens क्रिएट करें. बेसिकली non-fungible tokens होते हैं एक ग्राफिकल बेस में टोकन होते हैं जिसमें कोड के फॉर्म होती है जिससे हम non-fungible token के तौर पर बेचते हैं, और ये भी आने वाले टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट का आई थिंक ले लेगा जगह. यस इट विल टेक सम क्रेडेंशियल्स ओवर टू इट, इट विल टेक सम क्रेड्स, आई प्रेज्यूम इट विल टेक सम होप्स फॉर सेल. सो दीज आर द इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स आई वॉज टॉकिंग टू अबाउट. लुकिंग फॉरवर्ड टू यू मीटिंग यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर. इट वॉज नाइस हैविंग यू ऑल. दिस इज मी मोहम्मद मोहसिन फ्रॉम सुफी डिजिटल मार्केटिंग साइनिंग ऑफ. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़. सीमा अल्लाह.